जाओ किनारे आप जाओ, बाय बाय, राधे राधे। अब जल रहा है। आंटी लोग का भी होता है उनकी तरफ से, आंटी लोग का भी उनकी तरफ से होता है। मैं कर रही हूँ ना, पहले तो आपकी तरफ से होता था, पहले मैं कर रही हूँ। 9:30 हो गया, 9:30 हो गया, क्यों डाटा मेरी बेटी को, मेरी प्रियांशी को क्यों डाटा? अब डाटना मत मेरी प्रियांशी को, ओके बेटा? ठीक है बेटा, फिर खिड़की जा, दरवाजा बंद कर दो। तो आ गई नीचे पूजा करने गणपति जी को। तो यहाँ पे भाभी पहले से आई हुई है, ये जो भी पूजा का गणपति जी को जो भी चढ़ाया हुआ था कल का, फूल माला सब भोग वगैरह, वो सब यहाँ पे हटा के साफ कर रही है। तो क्योंकि ऐसे में तो पूजा कर नहीं सकते, सफाई तो करनी पड़ती जैसे हम लोग अपने मंदिर में करते हैं वैसे यहाँ। चाय पी लिया, हस्बैंड गए बाहर किसी काम से, मतलब से भी कराने। और अभी देखो 11 बजने वाले हैं, 11 बज चुके हैं, इनफैक्ट 11 भी हो गया। और मैं यहाँ बना रही हूँ अपने से छोटे से गणेश जी के लिए खाना बना रही हूँ, भोग लगाना है मुझे उनके लिए। तो मतलब शुद्ध खाना बनाऊँगी बिना लहसुन प्याज का, और फिर उनको 12:30 तक उनको भोग लगाना है। तो टमाटर वगैरह काट लिया है मैंने, बनाऊँगी मैं चने की सब्जी और सेवई पूड़ी बनाऊंगी। तो चलो बना लेते हैं। पसीने हो गई फ्रेंड्स, तो पूड़ी मेरी बन चुकी है, क्योंकि गरम गरम खाना भोग नहीं लगाते हैं भगवान जी को, तो इसलिए खीर बना के पहले मैंने उसे ठंडा करने के लिए रखा है। तो मैंने कहा जब तक टाइम है, सब्जी तो नहीं बना सकते क्योंकि सब्जी में लहसुन प्याज डालना है, तो आके बनाऊंगी उनको भोग लगा के। तो बाकी बचा हुआ जो आटा था मैंने कहा उसका भी चलो मैं पूरियां तली लेती हूँ। ये देखिए आने के बाद वो सब्जी बनाऊंगी, खाएंगे सब। यहाँ प्रे करो भगवान जी को, चलो प्रे करो, यहाँ नहीं वहां से पास से जाके, हाँ बुद्धि मांगो गणेश भगवान से, बुद्धि दो।
हाँ बस गुड। तो पापा जी को लगा दिया हमने भोग, खीर और चने की सूखी सब्जी बनाई थी और सेवई, क्योंकि सेवई ऐसी चीज़ है जो झटपट बन जाती है तुरंत। तो वहाँ भोग लगा के थोड़ी देर वहाँ रुकी थी, उसके बाद वापस लेके आ गई तो बच्चों को दिया है खाने को। बच्चे तो पता है खाना खाते नहीं, खाना मतलब सब्जी नहीं खाते, लेकिन फिर भी उनको बच्चे को ही दे दिया है प्रसाद। और यहाँ पे जो बचा हुआ चना था उसका मैं सूखी सब्जी बना रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि हमें भी बहुत जोर की लगी है भूख, डेढ़ बज रहे थे और कितना देर तक इंतज़ार करते। और ये आलू भी उबाल के रखा था कि ग्रेवी वाला सब्जी बनाऊंगी, लेकिन टाइम है नहीं, पहले सूखी सब्जी बना लेते हैं उसके बाद हम लोग खाते। पूड़िया तो मैं तल के गई थी तो यहाँ पे हम लोग सब खा रहे हैं। बस यही भूत भूत देख और रात को डरती है, मम्मी मुझे कोई पकड़ रहा, मम्मी मैं गिर गई, पैक पैक कर लिया। चलो ठीक है, चलो ठीक है, टाइम भी हो गया। क्या देखो पापा जा रहे हैं की गाड़ी। राधे राधे, मैं बच गई, मैं नहीं जाऊंगी अपने बेटे को छोड़ने ट्यूशन। आज मेरे हस्बैंड स्लो करो आवाज, लड़की बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है लड़की, भूत वाला कार्टून देखते रहती है। सात बजे है? सात बजे। हाँ ठीक है, सात बजे पापा। अरे वो चिल्ला रहे हैं आपको, जाओ बाय बाय, राधे राधे। सोने का टाइम है बेटा, हाँ अभी शाम को सो रही हो लाडो। गाइस मुझे अभी कोई काम नहीं, आज मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है। किट्टू को छोड़ने भी इसके पापा चले गए हैं, लेके भी वही आएंगे, अभी मार्केट गए हैं प्रसाद लाने के लिए शाम की आरती के लिए, रात को होगा 9:30 बजे तक आरती। और बेटी टीवी देख रही, सो रही थी पर उसे मैंने उठा दिया, ये भी सो जाएगी ना तो फिर रात को परेशान करेगी। और यहाँ पे बैठ के मैं टाइम पास करूँ, चाय भी हमने पी लिया, उसके बाद लगते थे तो जल्दी चाय पी लिया, चार बजे चाय पी ली। तो बैठ के बस यहाँ का व्यू देख ली, फ़ोन भी कितना चला, फ़ोन चलाते चलाते भी आँखों में दर्द होने लगे हैं। अरे बनाना नहीं है और एडिटिंग का टाइम भी है नहीं कि करने बैठूँ, 6 बज रहे हैं, बेटा नहीं है, अच्छा भी नहीं लग रहा, हस्बैंड भी चले गए हैं, आएंगे रात को बैठे बैठे। मैं चलो बंद करती हूँ, चलो किट्टू चलो आप भी चलो, चलो बाथरूम में करूँ, आओ आओ, फोन देखोगी आप? चलिए मेरा ये रहा प्रसाद, चल रहे हैं, टाइम भी हो गया है गाइस, देखिए 9 बज गए हैं, 9 बजने वाले हैं, 9 बजे से आरती होता है, तो मैं पहले यहाँ प्रसाद निकाल लूँ। खाना वाना खा लिया हम लोगों ने, तो अभी देखिए प्रसाद भी रेडी है, बूंदी का प्रसाद लेके आए थे, बूंदी लाए थे भोग प्रसाद चढ़ाने के लिए गणपति जी को, तो यहाँ सब मैंने रेडी कर लिया है। दिया का थाली भी, वो भी मैंने
जा रही हूँ रेडी करने, सब कुछ रेडी है, बस लेना ही है, सब रेडी करके ही मैंने रखा था। दीदी के लोटे में जल भी ले लिया है, बाकी वाती सब कुछ घी डाल के मैंने सब रेडी कर लिया है। बस नीचे जाना है और आरती करना है, और यहाँ पे आरती भी हो चुकी है क्योंकि वीडियो कोई नहीं लिया है। हम पूरी फैमिली, मतलब मैं, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, सब लोगों ने आरती किया। तो अब किसे कहूँ कि वीडियो लो, अच्छा भी नहीं लगता है, तो इसलिए आरती हो गई। यहाँ सबको प्रसाद दिया बांटने को, तो सबको प्रसाद दिया जा रहा है। तो आज का व्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ये देखिए मेरे हस्बैंड दे रहे हैं प्रसाद, और बूंदी थोड़ा बच गया था। तो आरती हो गई, प्रसाद भी देखिए इतना सारा बच भी गया क्योंकि मीठा ज़्यादा लोग खाते नहीं हैं। और अब मैं जा रही हूँ घर, सब थोड़ी देर वहाँ बैठे थे।